काका जी बताइए, विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है और इस समय प्रचार जो है बड़े शोरों शोरों से, अभी आप कुछ बताने के मूड में नहीं है फिलहाल कि क्या हो सकता है अभी आपके समाज के, लेकिन बीजेपी आएगी, बीजेपी एक बार फिर कमल खिलेगा, एक बार फिर कमल आकोट के लिए तो खिलेंगे ही कमल। अच्छा, अच्छा, प्रकाश भारसागड़े जी के बारे में लोग बता रहे हैं कि पार्सल आमदार है या रिबिन कटर आमदार के तौर पर उनको। हाँ दोस्तों, इस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक सिजलिंग चुके पर बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के नजदीक और आकोट विधान सभा के इस पर्व पर या इस उत्साह पर जो है हम यहाँ पर जानने के लिए पहुंचे हैं कि आकोट का क्या है मूड, आकोट के मतदाताओं का क्या है मूड और आकोट के मतदाता क्या चाहते हैं, किसको चुनकर लाना चाहते हैं, किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं, किसको अपना आमदार बनाना चाहते हैं, क्या फिर से एक बार आकोट में कमल खिलेगा या दुनिया या आकोट साथ देगी कांग्रेस के हाथ का, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चलेंगे पीछे और यहाँ पर एक मौजूद जो हमेशा रहते हैं काका जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो किसको लाना चाहते हैं। काका जी आपका नाम बताइए। नीरज राज। काका जी बताइए, विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है और इस समय प्रचार जो है बड़े शोरों शोरों शुरू हो चुका है। आपके यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी और अपक्ष, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए, इसी के साथ साथ प्रहार ने भी अपनी यहाँ पर जो है हाजिरी बताई है। हाँ, तो आपके हिसाब से आप किसको वोट देना चाहते हैं? अभी तो कोई निश्चित नहीं करे, कैंडिडेट करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ के आमदार जो है प्रकाश भारसागड़े जी हैं इस अभी इस समय के जो थे लास्ट टाइम तक। अच्छा, उनके काम कार्य के बारे में क्या कहेंगे आप? समाधान कारक है। क्या आप उनको रिपीट करना चाहते हैं फिर से एक बार? सोचेंगे अभी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से आकोट के अंदर कमल खिलेगा? शायद। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, आमदार जी बोड़के जी के बेटे दीपक बोड़के खुद वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ लेकर आगे बढ़े, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके समाज के लोग दीपक बोड़के जी के साथ जा सकते हैं? कहते नहीं आता। अच्छा, अभी आप कुछ बताने के मूड में नहीं है फिलहाल कि क्या हो सकता है। अभी आपके समाज के बीच में बैठ के ऐसी कोई बात हुई है कि किसके साथ चल? अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो देख सकते हैं मतदाताओं का अभी भी जो है चर्चाओं का बाजार फिलहाल गर्म है। ये बताया जा रहा है कि किसके साथ जो है मतदाता जाने वाले, ये कहना मुश्किल है। हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, आपका नाम बताइए। गणेश वसु। कहाँ रहते हैं सर? नेहुरी रहते हैं। नेहुरी ये मतलब तालुका? आकोट तालुका। अच्छा, आपके गांव में क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल चल रहा है? काय के बारे में? इलेक्शन के लिए कैसा माहौल? इलेक्शन के बारे में तो अभी कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी आएगी, बीजेपी फिर से एक बार कमल खिलेगा, एक बार फिर कमल आकोट के लिए तो खिलेंगे ही कमल। अच्छा, प्रकाश भारसागड़े जी के बारे में लोग बता रहे हैं कि पार्सल आमदार है या रिबिन कटर आमदार के तौर पर उनको लोगों के बीच में छवि बनी हुई, लोगों का ऐसा कहना है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, वैसा विकास तो नहीं है आकोट का ज्यादा। हाँ। क्योंकि धूली बहुत है आकोट में, ट्रैफिक जाम है, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे अच्छा, तो एक बार फिर से मोदी जी की वजह से आप वोट देना चाहते हैं कि प्रकाश भारसागड़े जी की वजह से वोट देना चाहते हैं? मोदी की वजह। अच्छा, तो एक बार फिर से मोदी जी की लहर 2024 में भी जो है चलने वाली आकोट के अंदर, आकोट में फिर से एक बार बीजेपी का कमल खिलने वाला है, ऐसा यहाँ के मतदाताओं का कहना है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आकोट के दूसरे इलाकों का पूरा लेखा जोखा।